अपनी पार्टी के नौजवान साथी को और अपने हलके सरयार की आवाम की तरफ से नौ मुंतखब कायदे आवाम मीर सरफराज भुट्टी को मुबारकबाद पेश करता हूं। इसके साथ साथ हमारे मरकजी फार्मेसी सेक्रेटरी जनाब फैसल सलीम कुंडी साहब को बलूचिस्तान असेंबली आमर पर खुशामदीद कहता हूं। साथियों तकरीर मैंने कल इंशाल्लाह हमारे इत्यादियों ने पार्टी के साथियों ने जो हमारे पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमारे प्रेसिडेंट पार्लियामेंटेरियन जनाब आसिफ अली जरदारी ने जो फैसला किया कि पार्टी की बेहतरी के लिए जनाब मीर सरफराज भुट्टी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वजीर आला बलूचिस्तान मुंतखब किया जो कि आपने खुद देखा ने हमारे इत्यादियों ने कोई शिकायत की न हमारे पार्टी ने क्योंकि हम पार्टी से फिरने वाले पार्टी है। इंशाल्लाह मीर सरफराज खान भी हम इस रवायत को खत्म करना चाहते हैं कि लोग देख रहे बलूचिस्तान की तरफ कि हर 15 महीने के बाद हर 22 महीने के बाद कोई छोटे छोटे चीजों से नाराज होंगे अदम एतमाद लाते हैं। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, हम कोशिश करेंगे कि 5 साल तक इस आसमान सूबे का हमने आपने खिदमत करना है। आज यहाँ पे बैठे जो 55 मेंबर असेंबली है ये समझो बलूचिस्तान के 1.5 करोड़ आवाम के नुमाइंदे पे एतमाद किया है आपने। हमने कोई भी हम अपोजिशन में समझता हूँ नहीं है, हम सब आपस में भाई हैं, सब को आवाम ने वोट दिया मुंतखब किया है। माजी की तरह जो गैर मुंतखब मेंबरान को नवाजा गया वो आपने हमने मिलकर नहीं करना है। हमने इस बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मगर नजर के साथ कल एक बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कदावर शख्सियत बोले पार्टी तो इसमें इतना बड़ा नहीं है, एक सीट आया है मगर कोशिश नहीं की लोगों पे हमारे मुल्क के पाक अफवाज के बारे में जो उसने लफ्ज इस्तेमाल किया मैं अपने तरफ से उसका मुकम्मल करता हूँ। जनाब स्पीकर आज 12वां असेंबली है, अगर आप इसको गिनें 60 साल हो गया है, कोई 22 महीने में आ गया, कोई 15 महीने में, हम इस पे क्यों नहीं सोचते हैं कि आज तक इस 60 साल में हमने छोटा सा क्वेटा जो 22 लाख से मुश्तमिल आबादी है उसको हमने नहीं बना सके हैं। जो हमारे मेहमान बाहर से आते हैं जब सरयार में इंटर होते हैं बोलते ये क्वेटा है, हम बोलते हैं ये क्वेटा है, या यहाँ हम चुनाव से आते हैं जो बिलेरी चेक पोस्ट से गुजर जाते हैं बोलते हैं क्वेटा है, और हम बख्ती से ये क्वेटा है। क्यों कि क्वेटा में कोई काम नहीं हुआ है। मैं अपने नौ मुंतखब सीएम एक नौजवान पढ़ा लिखा है उसके दिल में दर्द है क्वेटे का, कम से कम हम इस क्वेटे को बनाए। हमारे एजुकेशन में स्कूल किसी और जगह पर है, मास्टर हमारा दुबई में कारोबार कर रहा है, स्कूल किसी और जगह पर है, मास्टर किसी और का ड्राइवरी कर रहा है, इस चीज से आप नजर रख रहे हैं। ये जो घोष बोलते हैं टीचरों को इसको जब उस्ताद उसका इंटरव्यू लेना चाहिए जब उसको कुछ नहीं पता तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। तो मैं आपका ज्यादा नहीं लूंगा, मैं आखिर में समय सरफराज खान को फिर डबल मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि हमने अमीर भी जाना है, हमारे अमीर भी जाना है। एयरपोर्ट जाना है, मुख्तसर साहब हमें हमारे पास जिस भाई को मौका मिलेगा प्लीज दो में ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं होना और बात बात खत्म करें ताकि सीएम साहब के सामने जो भी बात हो वो सुन पाएंगे। अस्पताल सर साहब शुक्रिया जी जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसके बाद मैं अपने इलाके के आवाम की तरफ से
ضلع مشین شور کا رضا کھڑی کے عوام طرف سے عزت امام جناب قائد ایوان جناب جناب فراز صاحب صاحب کا مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے سب سال چیلنجز میں بلدان کے وزیراعلا بنے. یہاں پیسٹن جو بلستان کا چل رہی ہے یہ چلی آ رہی ہے لائن کے حوالے سے بہت سخت تشویش ہے. اس کو ٹھیک کرنے میں ان کو اور کا ساتھ دینا ہوگا ہمیں ہم سب سب کو اٹھا اٹھا کر. اور اس قسم سے والا چل رہی ہے گواہ صورت چل رہی ہے ہمارے علاقوں میں برشور شوبہ کاکڑی توبہ چاہی زیارہ کان میں زی رود ملا زی میں رباری بھی سے راستے بند ہیں. سخت مشکلات ہیں. خدا نہ کرے اگر کبھی خوش ناخوشگوار واقعہ اس سے آتا ہے تو اس سے پہلے روڈوں کو کلیئر کرنا اور ان تک رسائی ہونا یہ بہت لازمی ہے. میں آج اس موقع کے نسبت میں بے بات ان تک پہنچا رہا ہوں. اور دوسرا یہ کہ ہمارے شکر سے بہت دباؤ ہو چکا ہے. میں اپنے الفاظ کر رہا ہوں. صرف میرے علاقے میں دو سو سکول بند ہیں. بالکل دو سو سو بند ہے. میں فروم پہ کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات سارا ایسے سیچر لگائے گئے گئے بالکل سفارشات لگائے گئے گئے ہمارا ہر سیکٹر اسی طرح طرح ہے. ہمارے ڈیمز سب ہیں. ہمارے روڈ سب ہیں. میں یہ امید کرتا ہوں کہ جناب آپ مرکز سے بھی فیڈرل سے بھی بلوچستان کے لیے ادھر صحیح بات بات کریں گے وہاں سے آئیں گے بلوچستان کے مظلوم عوام کے لیے. میں اپنے ٹائم نہیں دوں گا کہ آپ کیا کہا کہ وقت کم ہے. میں اپنے ٹائم ٹائم باقی موزوں سے دوں گا. تھینک یو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. حالیہ نواز صاحبہ اس حالت مبارکباد پیش کرتی ہوں. جناب اسپیکر میں امید کرتی ہوں کہ بلوچستان کے لیے اور بالخصوص میرے جعفرآباد کے لیے جو سیلاب کی تباہ کاری کی وجہ سے بہت متاثر ہو چکا ہے. میں درخواست کرتی ہوں جناب اسپیکر قائد عوام سے کہ جعفرآباد میں واٹر سپلائی سیوریج سسٹم تعلیم صحت بہت متاثر ہو چکے ہیں. میری امید ہے کہ قائد عوام کی وہاں پوری اور بھرپور توجہ رہے گی. میں آپ میں پھر ان کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. تھینک یو تھینک یو تھینک یو برکت علی جان صاحب.